गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर वन चैप्टर नंबर 3 कमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ फ्रेश वाटर, जिसमें हमने सबसे पहले कतला के बारे में पढ़ा है। तो 6 जो फिश है जिनका कल्चर किया जाता है इंडिया में, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो इसमें कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प, तो इन 6 फिशेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कतला के बारे में, कतला जो फिश है उसके बारे में हमने डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फीडिंग हैबिट, ग्रोथ, मैच्योरिटी, फिकंडिटी, ये सब हमने इसके पहले वाले स्लाइड में पढ़ा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी ऑफ लेबियो रोहिता, जिसको रोहू के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी ऑफ लेबियो रोहिता। बायोलॉजी ऑफ लेबियो रोहिता डिस्ट्रीब्यूशन। रोहू इज फास्ट ग्रोइंग फिश नेक्स्ट टू कतला एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्दर्न रिवर, बट इट वॉज नॉट येट स्टैब्लिश्ड इन साउदर्न रिवर ऑफ इंडिया। तो रोहू जो फिश है वो फास्ट ग्रोइंग फिश है, जिनको हम कार्प कहते हैं, जो फास्ट ग्रो करती है, ऐसी जो फिशेज है उनको हम कार्प कहते हैं, CARP कार्प। तो रोहू नेक्स्ट कतला के नेक्स्ट आती है, मीन्स कतला सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो करने वाली फ़िश है, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग फिश कतला है। तो उसके बाद कौन सी फिश आती है? रोहू। इसलिए उसे क्या कहा गया है? रोहू इज़ फास्ट ग्रोइंग फिश नेक्स्ट टू कतला एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्दर्न रिवर, और नॉर्दर्न रिवर्स में ये पाई जाती है। बट इट वॉज नॉट येट स्टैब्लिश्ड इन साउदर्न रिवर ऑफ इंडिया, बट नॉर्दर्न रिवर्स में ये पाई जाती है, बट साउदर्न रिवर्स में ये अभी तक के नहीं है। इट इज़ फाउंड इन रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड बर्मा। तो ये जो फिश है ये बाकी जो देश है इंडिया के अलावा कहाँ पे पाई जाती है? रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड बर्मा। तो ये है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स कहाँ कहाँ पे ये फिश पाई जाती है। इस तरीके की ये फिश दिखती है रोहू। तो जो कतला फिश होती है यहाँ से बहुत ऊँचा होता है उसका, इस तरीके से होता है, बट रोहू फिश जो होती है वो लीनियर होती है, दोनों तरफ से सेम होता है इसका जो स्ट्रक्चर है। और इसका जो माउथ है वो ऊपर की तरफ है। कतला का माउथ जो होता है वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, अपटर्न होता है, बट इसका उतना अपटर्न नहीं होता है माउथ। तो इस तरीके की रोहू फिश होती है। लोकल नेम, लोकली इसे क्या कहा जाता है? लोकली इट इज़ नोन एज रोहू और रुई इन बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। रोहू और रुई के नाम से भी इसे जाना जाता है इन बिहार, बंगाल, असम एंड उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। इन ओरिसा इट इज़ नोन एज रूही, ओरिसा में इसे रूही कहा जाता है। इन आंध्र प्रदेश इट इज़ कॉल्ड एज बोना, बोना इसे कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, बोना गंदु मेनू। इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हेड इज़ स्मॉल एंड स्लाइटली पॉइंटेड। इसका जो हेड होता है स्मॉल होता है, छोटा होता है और स्लाइटली पॉइंटेड होता है आगे की तरफ। लोअर लिप्स इज़ फ्रिंज्ड, फ्रिंज मीन्स उसे बॉर्डर होती है। कतला में क्या होता है? नॉन फ्रिंजिनेटेड, जिसमें बॉर्डर नहीं होती, लिप्स वाइड होते हैं बट उसमें बॉर्डर नहीं होती, बट लेबियो रोहिता में उनके लिप्स में बॉर्डर होती है, फ्रिंज लिप्स होते हैं। माउथ इज सब वेंट्रल, माउथ कैसे होता है? सब वेंट्रल होता है, मीन्स ज़्यादा ऊपर भी झुका नहीं है और नीचे भी झुका नहीं है। बॉडी इज लीनियर देन द कतला, बॉडी कैसी है इसकी? लीनियर है। जैसे कतला में अगर आपने देखा होगा उसका स्ट्रक्चर, उसमें डीप बॉडी है, मीन्स ऊपर में ज़्यादा ऐसे कर्व है, ऊपर की तरफ फूली हुई है बॉडी, बट जो कतला की सॉरी
रोहू की जो बॉडी है वो लीनियर है, ठीक है। मैग्जिलरी बार्बल्स प्रेजेंट, मैग्जिलरी बार्बल्स उसे प्रेजेंट है, मींस जॉज में अटैच टू जॉज बार्बल्स आर प्रेजेंट। सम टाइम रोस्ट्रल बार्बल्स डेवलप, रोस्ट्रल बार्बल्स भी कभी कभी उसमें पाए जाते हैं। रोस्ट्रल बार्बर मींस नीचे के जो जबड़ा होता है वहाँ पे बार्बल्स पाए जाते हैं, उसे रोस्ट्रल बार्बल कहते हैं। डोर्सल साइड डार्क इन कलर, डोर्सल साइड जो है बॉडी की जो ऊपर वाली जो साइड है ये वाली, दिस इज डोर्सल साइड, ये है डोर्सल साइड। डोर्सल साइड इज डार्क इन कलर। साइड्स आर डल रेडिश, जो उसकी बॉडी की साइड्स है दोनों वो डल रेडिश कलर की होती है। फिन्स आर पिंक रेडिश इन कलर, और फिन कैसे होते हैं, पिंक रेडिश इन कलर। नेक्स्ट इज फूड एंड फीडिंग हैबिट्स। लेबियोरोहिता इज अ कॉलम बॉटम फीडर फिश, जो लेबियोरोहिता है वो कहाँ पे फीड करती है, कॉलम और बॉटम एरिया में फीड करती है। इट्स फ्रिंज लिप्ड माउथ इज अडेप्टेड फॉर ब्राउजिंग हैबिट, तो उसका जो माउथ है फ्रिंज्ड लिप्स है जो कि बॉर्डर्ड है, वो किसके लिए अडेप्ट हुए है, फॉर ब्राउजिंग हैबिट, ब्राउजिंग करती है बॉटम पे। हैचलिंग्स फीड ऑन ज़ू प्लैंकटॉन्स सच एस रोटीफर्स क्लैडोसिरा कोपेपोडा। हैचलिंग्स किस पे फीड करते हैं, ज़ू प्लैंकटॉन्स पे फीड करते हैं, जैसे कि रोटीफर्स क्लैडोसिरा कोपेपोड्स। इन लेटर स्टेज हैचिंग फीड्स ऑन फाइटोप्लैंकटॉन पेरीफाइटॉन एंड वेजिटेबल, तो जब थोड़ी बड़ी हो जाती है फिश तो किस पे फीड करती है, फाइटोप्लैंकटॉन्स पे, पेरीफाइटॉन और वेजिटेबल्स पे फीड करती है। फिंगरलिंग्स फीड ऑन वेजिटेबल डेब्रीज माइक्रोस्कोपिक प्लांट। फिंगरलिंग्स जो होती है रोहू की वो किस पे फीड करती है, वेजिटेबल्स डेब्रीज माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। अडल्ट फीड ऑन वेजिटेबल डेब्रीज माइक्रोस्कोपिक प्लांट डिकेड हायर प्लांट डिट्रिटस एंड मड। तो जो अडल्ट फिश होती है वो किस पे फीड करती है, वेजिटेबल डेब्रीज माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स डिकेड हायर प्लांट्स डिट्रिटस एंड मड। डिट्रिटस मीन्स जो वेस्ट होता है उस पे फीड करती है, और मड भी जब वो फीडिंग करती है तब मड एक्सीडेंटली उनके स्टमक में जाता है विद द फूड। नेक्स्ट इज ग्रोथ। इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग फिश स्लोअर देन कतला। ग्रोथ कैसी है इसकी, फास्ट ग्रोइंग तो है बट कतला से स्लोअर है। इट ग्रोज अप टू 900 ग्राम्स इन फर्स्ट ईयर, और फर्स्ट ईयर में ये कहाँ तक के ग्रोथ एक्वायर करती है, 900 ग्राम्स वेट गेन कर लेती है। 2 to 3 kg इन सेकेंड ईयर एंड 4 to 5 kg इन थर्ड ईयर। 2 to 3 kg सेकेंड ईयर में ये 2 to 3 kg की हो जाती है, एंड इन थर्ड ईयर इट इज़ अबाउट 4 to 5 kg। तो ये हो गया ग्रोथ। नेक्स्ट इज़ मैच्योरिटी, फिकंडिटी एंड ब्रीडिंग। यहाँ पे फिकंडिटी होना चाहिए, फिकंडिटी। मैच्योरिटी मींस कब ये इनके गोनेड्स डेवलप होते हैं, तब इन्हें क्या कहा जाता है, मैच्योर फिश। जब उनके गोनेड्स जो है मेल और फीमेल ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाते हैं, अच्छे से एग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिकंडिटी कब किसे कहते हैं, फिकंडिटी उसे कहते हैं मींस फिश कितने एग्स ले कर सकती है, उनकी एग्स देने की जो क्षमता है उनका पावर है उसे क्या कहते हैं, फिकंडिटी कहते हैं। एंड ब्रीडिंग, जब वो ब्रीड करती है, जब वो एग्स देती है उसे ब्रीडिंग कहते हैं। इट मैच्योर्स बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये कतला से थोड़ी स्लो है इसीलिए कतला सेकेंड ईयर में ही मैच्योर हो जाती है, बट रोहू जो है वो सेकेंड ईयर जब लास्ट
होता है एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तब इनकी मैच्योरिटी होती है। एवरेज साइज ऑफ मैच्योरिटी इज 24 to 30 centimeters इन लेंथ। एवरेज साइज कितना है मैच्योरिटी का, जब वो 24 to 30 centimeters लेंथ एक्वायर कर लेती हैं, एंड 262 grams इन वेट। उनका वेट कितना होता है, 262 grams। फिकंडिटी रेंजेस फ्रॉम 2,25,600 to 2,79,400 एग्स। फिकंडिटी मींस एग्स इनमें कितने प्रोड्यूस हो सकते हैं, 2,25,600 to 2,79,400 एग्स। ओवा पर ग्राम बॉडी वेट इज 1,258। ओवा पर ग्राम बॉडी वेट कितना है इनका, 1,258, एंड पर ग्राम ओवरी वेट कितना है, 271। रोहू ब्रीड्स इन रिवर इन रेनी सीजन एंड ऑल्सो ब्रीड इन बंद। रोहू रेनी सीजन में ब्रीड करती है और बंद में भी इनका ब्रीडिंग होता है। तो बंद मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि बंद क्या होते हैं। बंद वो होते हैं आर्टिफिशियल टैंक्स होते हैं जिसमें कंटिन्यूस वाटर फ्लो चालू रहता है, क्योंकि बहुत सारी फिशेस जो होती है वो रिवर में, उनको हैबिट होती है कि रिवर में ब्रीडिंग करती है क्योंकि उसमें कंटिन्यू वाटर फ्लो चालू होता है, पानी स्टेडी नहीं रहता है, फ्लोइंग वाटर रहता है, तो ऐसे ही वाटर में वो ब्रीड करती है। इसीलिए उनको, उनके लिए स्पेशल टैंक्स बनाए जाते हैं जिसमें कंटिन्यू वाटर फ्लो स्टार्ट होता है, ऐसे टैंक को बंद कहा जाता है। तो ये फिशेस रेनी सीजन और बंद में ब्रीड करती है। नेक्स्ट इज एग्स एंड हैचलिंग्स। एग्स आर डिमर्सल, नॉन एडिसिव एंड स्लाइटली रेडिश इन कलर। एग्स कैसे होते हैं, डिमर्सल, जो कि जैसे एग्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, सरफेस में, पानी के सरफेस पे नहीं रहते, ठीक है। लिविंग क्लोज टू द फ्लोर मींस जो डिमर्सल एग होते हैं वो फ्लोर में नीचे की तरफ चले जाते हैं। नॉन एडिसिव होते हैं, जैसे कतला के भी होते हैं नॉन एडिसिव, मींस एक दूसरे को चिपकते नहीं हैं, स्टिकी नहीं होते, एंड स्लाइटली रेडिश इन कलर। उनका कलर कैसे होता है, स्लाइटली रेड कलर, जबकि कतला में जो कलर है उनके एग्स का कैसा होता है, रेड टू वॉयलेट कलर होता है, और रोहू के जो एग्स होते हैं वो रेडिश कलर के होते हैं। डायमीटर ऑफ एग इज 1.5 mm। रोहू के जो एग्स है वो कतला से थोड़े छोटे होते हैं, और कतला के एग्स होते हैं 2 to 2.2 mm इन डायमीटर, और कतला के सॉरी रोहू के जो एग्स होते हैं वो 1.5 mm इन डायमीटर। हैचिंग टेक्स प्लेस विद इन 16 to 18 hours एट 27 degrees Celsius। और जब फिश एग्स ले करती है उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग्स को हैच होने के लिए कितना टाइम लगता है, 16 to 18 hours लगते हैं, और टेम्परेचर कितना लगता है, 27 degrees Celsius टेम्परेचर लगता है। हैचलिंग आर 3.8 mm इन लेंथ। अभी इनके हैचलिंग भी थोड़े छोटे होते हैं कतला से, ठीक है। हैचलिंग का साइज़ कितना बताया गया है, 3.8 mm इन लेंथ, जबकि कतला के जो हैचलिंग्स होते हैं उनका जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 4.7 mm इन लेंथ, ठीक है। तो इनके जो स्पॉन होते हैं मींस हैचलिंग्स जो होते हैं वो भी कतला से छोटे होते हैं, जिनकी जो लेंथ है वो 3.8 mm होती है। तो यहाँ पे आपके बुक में लेबियो रोहिता का पिक्चर दिया है, तो देखिए इसकी बॉडी किस तरीके से शेप है, लीनियर बॉडी है एक, और कतला की बॉडी थोड़ी डीप होती है, तो ये आपको इन दोनों में फ़र्क है, तो आप कतला और रोहू को पहचान सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिरिना मृगला फिश के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।